हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो है जयपुर ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्रोन शॉट्स। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस पुराने नहीं देखे और आपको नहीं पता, तो मैं जोधपुर राजस्थान में काफ़ी टाइम अपने जब बचपन में वहां पे रही हूँ और वहां स्कूल भी अटेंड किया हुआ है, तो मेरे लिए तो राजस्थान एक स्पेशल प्लेस मेरे हार्ट में रखता है और बहुत ही सुंदर जगह है। और जयपुर भी मैं मेरे ख्याल से कम एटलीस्ट 2 या 3 बारी तो गई हूँ। और जयपुर में हमने ऑलमोस्ट सब चीजें देखी हुई है, उनका वहां का फोर्ट, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, तो काफी मजा किया हुआ है हमने जयपुर में भी। और देखते हैं कि इस ड्रोन शॉट से कुछ मुझे याद आता है कि नहीं, वो जगहें पहचान पाती हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया तो चीजें काफी चेंज हो गई होंगी, पर ड्रोन शॉट्स है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ वो भी लॉकडाउन में, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सब सड़कें खाली होंगी, जैसे हमने मेरे ख्याल से मुंबई किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो और उसमें भी काफ़ी देखने को मिला था डिफरेंस कि जब लॉकडाउन नहीं था तब कैसा था और लॉकडाउन के बाद कैसे खाली खाली था। तो जयपुर भी देखते हैं कैसा लग रहा है लॉकडाउन के टाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाए। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियोज होते हैं ना बहुत अजीब अजीब टाइम पे आते हैं, कभी आपको दोपहर में आ जाएगा, कभी आपको रात के 1 बजे आएगा, कभी आपको शाम को आ जाएगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन वो बेल को जो है, घंटी जो है उसको क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं, उसके बगैर पता नहीं चलेगा कि कब हमने वीडियो डाल दिया है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। ओ, फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस कंप्लीट लॉकडाउन, वाओ। मेरा नाम गगन है और ऑन रेगुलर बेसिस आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। I have visited almost all the states in India. But वो ये मुझे शायद याद है, ये जगह, ये दुकानों की जगह थी जहाँ सब लोग शॉपिंग करने आते हैं। वेकेशंस हो, चाहे फेस्टिवल्स हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैंने ऑलमोस्ट हर मोड में जयपुर को देखा है। अभी मैं एक न्यूज चैनल के लिए काम कर रहा हूँ और अब जब मैं बाहर जाता हूँ लॉकडाउन के डेज में, सो एक अलग ऑरा जयपुर का जो है वो इस वक्त है। I thought let's utilize this in better way और बाकी लोगों को भी दिखाते हैं कि अभी जयपुर कैसा दिख रहा है, खासतौर से जो लोग जयपुर के ही हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं, जो मिस कर रहे होंगे क्योंकि वो सब घरों के, ये वो दुकानों वाला एरिया है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स और वो सब मिलता है मेरे ख्याल से। मुझे याद है मुझे वहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी कोई टेबल और चेयर दिखी थी, उसमें वो महाराजा टाइप रानी की वो बनी हुई, मुझे खरीदनी थी। पापा ने कहा तुम इंडिया से कहाँ लेके जाओगी, यूएस से। ये कितना सुंदर है, और ये क्या बीच में, नहीं ये बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रहा है, इतने बड़े बड़े फ्लोर। वो मुझे नहीं आता, तो बहुत सुंदर है यार, इट्स ब्यूटीफुल। सब कुछ ऐसे मतलब डेजर्टेड सा है, सब घरों में बंद है, दीवार है नहीं, कर्फ्यू जैसा माहौल है, कर्फ्यू है ना, इतनी नेगेटिव सी फीलिंग आती है, बट यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव फीलिंग है। प्रॉब्ली बिकॉज हमें पता है कि सब लोग घर में इसलिए बैठे हैं ताकि वी कैन फाइट अगेंस्ट द वायरस, वी कैन हेल्प एटलीस्ट। तो वो रोड के ऊपर लिखा हुआ है, जरूर है बाहर के एक रीजन की वजह से सब है। ये हवा में हल्के सबसे पॉपुलर है, मुझे हमेशा लगता था कि अंदर जा सकते हैं, फिर जब छोटी थी मम्मी कहती नहीं ये सिर्फ वॉल है, नहीं हम जा सकते हैं, मैं पर कुछ वो अंदर बिल्डिंग टाइप नहीं है कि अंदर जैसे महल होता है, नहीं हम जा सकते हैं अंदर जाके पूरा, पता नहीं मेरे को तो जान ही नहीं था, मैं कहती कुछ नहीं है, नहीं है। बहुत सुंदर है, ऐसे पुराने फोर्ट्स की जो है ना
बहुत ही सुंदर है। चित्तर मंदिर जयपुर में भी है? मैंने नहीं देखा वहां। पिंक सिटी एरिया कितना सुंदर लग रहा है यार। इट्स ब्यूटीफुल। ये क्या है? HQNWR ये क्या है? कोई पर है पुरानी बिल्डिंग जिसको मुझे मालूम है उसका ऑफिस हो कुछ भी नॉर्थ ऋषि को तो डेफिनेटली लेके जाना है। इसमें तो इसके लिए तो एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि ये इतने बड़े बड़े नहीं पता पैलेस फोर्ट वही हुए। और देखा है ब्यूटीफुल यार ये क्या है? ये नई चीज है WTP वर्ल्ड ट्रेड पिलर स्टैचू सर्कल ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है। कमाल का ह्यूज इतने सारे फोर्ट हैं। मैंने तो मेरे ख्याल से जयपुर में सिर्फ एक ही फोर्ट देखा था। सिटी के आउटस्कर्ट्स में मानसागर लेक इसके अंदर जा सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे को याद है जब गए थे तो हम गए नहीं थे अंदर। मुझे जाना था। मैंने कहा ये जाते कैसे हैं बोट से पर हम नहीं गए थे। जल महल पैलेस वन थिंग फॉर श्योर जब ये खत्म हो जाएगा तो मेनी ऑफ अस विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ और खास तौर से कुछ प्रोफेशंस के लिए रेस्पेक्ट भी हमारी बढ़ जाएगी। डॉक्टर्स सिविल सर्वेंट ये क्या कर रहे हैं? ओ सफाई कर्मचारी। मैं डेली सुबह मेरी आंख खुलती है जब नगर पालिका के सफाई कर्मचारी आ जाते। दे नेवर फेल टू इम्प्रेस। वो रोज आते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। उन लोगों के लिए डेफिनेटली रिस्पेक्ट जो है हम लोगों की शायद बढ़ जाएगी। काफ़ी बढ़िया वीडियो था। और जब मैं मेरे ख्याल से 8th grade में होऊंगा मैं जयपुर गया था कैंप में और वहाँ पे हमने कोई बहुत ही बढ़िया थिएटर है कोई उस समय था अभी भी होगा बहुत मतलब बहुत ही मशहूर थिएटर वहाँ पे एक मूवी देखी थी। हवा महल में गए थे। एक दो फोर्ट देखे थे अब मुझे याद नहीं कौन से हैं मगर अभी यहाँ देख के इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली कोई टक्कर की पेरिस के या रोम के मतलब टक्कर की कोई सिटी है। जब ड्रोन से दिखा रहे हैं साफ सुथरी है और बहुत ही मतलब अच्छे कलर्स हैं। आपको कहीं पिंक सिटी के कलर्स दिख रहे थे कहीं वाइट है बीच में मॉन्यूमेंट्स हैं और कितना क्लीन लग रहा था सब कुछ ज़बरदस्त क्लीन था। फोर्ट पे फोर्ट जब देख रहा था कि ये सिटी है ह्यूज सिटी इतनी पॉपुलेशन और आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में आपको फोर्ट नज़र आ रहे हैं और जो है जैसे कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। तो इस केस में क्योंकि सिटी इतनी मतलब पिक्चरेस्क है कि उसमें हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है बट फोटोजेनिक सिटी है। आप जब ड्रोन से देख रहे हैं और मेरे ख्याल से ऑफकोर्स इन्होंने कई ड्रोन्स की उड़ानें की होंगी और रिकॉर्ड किया होगा और पूरा कंबाइन करके बनाया होगा क्योंकि सब लोगों को पता ही है कि ड्रोन की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती बैटरी लाइफ नहीं होती। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिखाए हैं पहले ये फोर्ट फिर दूसरा फोर्ट फिर वो जो लेक दिखा रहे हैं लेक के बीच में जो एक पैलेस है। अभी तो पता था कि उदयपुर में है पता चला कि जयपुर में जयपुर में मुझे पता था मतलब जयपुर में लेक के बीच में को पैलेस है और दूसरा दिखा रहे हैं जो इतना बड़ा राउंड अबाउट है और जो विधानसभा दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे तो काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं। काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है और जैसे कह रहे हैं कि नगर पालिका के लोग रोज़ आते हैं तो मेरे ख्याल से जो क्लीन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है नगर पालिका वो रोज़ आ रही है वो रोड्स को क्लीन कर रही है सब जगह क्लीन कर रही है डिसइंफेक्ट भी कर रहे हैं कुछ स्प्रे भी मार रहे थे हाँ, जैसे कार के ऊपर स्प्रे मारा था। और जैसे कई लोगों ने कहा है कि यही मौका है मतलब
इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का। अगर मान लीजिए रोड्स ठीक करनी हो तो क्योंकि लोग कम है, जल्दी जल्दी रोड्स ठीक कर सकते हैं, ब्रिज ठीक कर सकते हैं, जहां जहां पहले ट्रैफिक की वजह से जो काम नहीं हो सकता था अब हो सकता है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी ले रही है कि देखिए लोग सब बंद हैं, तो जो जो काम में आपको लोगों को बंद करना पड़ता है वो अभी कर लीजिए, वो स्पेशली रोड्स हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सारा गंद कूड़ा कचरा सब हटा, सब क्लीन हो रहा है। तो मगर एक नोटिस करने की बात थी जो दोबारा कह रहा हूँ, वो था कि ऊपर से ड्रोन से जो फुटेज आ रही है, अगर आप किसी को ना बताएं कि ये जयपुर है, उसे बोलें कहाँ है, तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि पता नहीं, हो सकता तो पेरिस हो, रोम हो, पेरिस लगा क्या जगह हो, क्या ऊपर से लेक दिखा दीजिए, फोर्ट दिखा दीजिए, फोर्ट आएंगे फोर्ट तो उनको लगेगा हाँ ये हो सकता है, ये मतलब कोई इंडिया की चीज है जहाँ फोर्ट। और कितने साफ सुथरे फोर्ट थे, जो फोर्ट दिखाया था जो मतलब पूरा येलो टाइप का लग रहा था, वो लग रहा था क्या बढ़िया फोर्ट है, क्लीन साफ सुथरा नया फोर्ट लग रहा था, ऊपर से सारा कुछ नया लग रहा था, बहुत ब्राइट लग रहा था बहुत। और नॉर्मली जो है ये भी देखिए कि जयपुर में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, एक जो जरिया है इकोनॉमी के पैसा आने का वो है टूरिज्म, क्योंकि आप जब भी देखिए राजस्थान में हर कोई जयपुर तो जाता ही है, हवा महल देखता ही, तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और क्योंकि टूरिज्म है सब कुछ मतलब चमकदार होना चाहिए, चमकदार नजर आ रहा है, सिर्फ ये है कि लोग नहीं थे। तो काफी अच्छा वीडियो है, बहुत खुशी हुई देख के कि, और ऑफकोर्स अब हम कंपेयर कर रहे हैं जयपुर से, मैं कंपेयर कर रहा हूँ 30-35 साल पहले, ऑफकोर्स 30-35 साल पहले के बाद अब जाओ तो बहुत कुछ ऊपर से नजर आ रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है, काफी बढ़िया हो चुका है। हवा महल तो हमें पता था कि हवा महल था, हवा महल के सामने रोड जारी होती है और इतना ट्रैफिक होता है, और मेरे को उस वक्त तो किसी को परवाह भी नहीं थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हवा महल है, और हम ही लोग थे मतलब जो कैंपिंग के लिए गए थे वो उतरे हैं, फिर वो जहां तक मुझे मालूम है हवा महल के अंदर गए थे, और वो जो खिड़कियां हैं उनसे बाहर आप देख सकते थे ट्रैफिक, और काफी तेजी से हवा आ रही होती है वहां पे, तो वाकई लगता है कि हाँ काफी हवा महल है, काफी ठंडी हवा आ रही है चारों तरीके से, जिस तरीके से बनाया है तो काफी अच्छा लगा देख के। और वहां पे लोगों को पता होगा बहुत बड़ा थिएटर है, और मतलब उस जमाने में तो बहुत मशहूर थिएटर था जहाँ बहुत लोग आते थे मूवीज देखने के लिए, और मेरे ख्याल से आज भी होगा वो थिएटर, तो काफी अच्छा लगा ये सब देख के। यस फ्रेंड्स, और अब मुझे पता चला है कि हवा महल में अंदर भी जा सकते हैं, तो इससे 101% श्योरिटी मम्मी पापा ने मुझे बुद्धू बनाया था, क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते होंगे, उन्होंने देखा होगा पहले से, उन्होंने कहा कुल तुमने क्या देखना छोड़ो, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रिप बनेगा वहां पे तो जरूर जाना है। जैसे बोल रहे थे ना कि हवा आती है चारों तरफ से, वो तो देखना बनता है, तो मुझे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा ये तो महल है इसके अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक दीवार सी बनी हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं मान गई। पर एक बात है फ्रेंड्स कि इसमें जो इन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए बहुत ही सुंदर थे, और जो हैरानी और जिस चीज को मैं बहुत इंप्रेस्ड हुई देखने में वो था कि आपको फोर्ट्स की ब्यूटी भी दिख रही थी और मॉडर्न सिटीज भी, प्लेसेस भी दिख रही थी। उन्होंने एक बिल्डिंग दिखाई थी वो कितनी मॉडर्न थी आजकल के टाइम की, मतलब जैसे आपको साईफाई में दिखेंगी ना मूवीज में, उस टाइप की कोई बिल्डिंग थी, मेरे को वो भी बहुत इंप्रेसिव लगी। मुझे नाम नहीं पता पर उसको देख के मैंने कहा था ये क्या है, तो दोनों टाइप की आपको चीजें वहां मिल रही है, तो मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है पर उन्होंने अपने ओल्ड जो है फोर्ट्स और उनको भी बहुत अच्छा टेक केयर किया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर था। तो डेफिनेटली ये ऐसी जगह है जहां पे आप जाके काफी दिनों तक रहो और बहुत अच्छी तरह एक एक जगह को एक्सप्लोर करो। तो मुझे अभी तक याद है हमने फोर्ट में गए थे, और फोर्ट पे एलिफेंट से भी आप ऊपर जा सकते थे, और उसके बाद आप अंदर जाके उनकी गने जो उन्होंने यूज की थी, तोपे वो सब देख सकते थे, और इतना बड़ा फोर्ट था, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, चौड़ा लंबा, बहुत ही, रास्ते जो थे काफी बड़े थे बहुत ही। और क्योंकि हम लोग जोधपुर में काफी सालों तक रहे हैं, मुझे ये पता है कि गर्मियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुझे अभी तक वो एक्सपीरियंस याद है कि जोधपुर में जब हम रहते थे ना, अब ये बहुत पुरानी बात है, जब हम बहुत छोटे थे तो वहां इतनी गर्मी हो जाती थी और कूलर के वक्त कोई असर नहीं होता था, तो क्या करना पड़ता था, पापा बाल्टियां भर भर के पानी की फर्श पे फेंकते थे ठंडा करने के लिए, पर वो भी एक्सपीरियंस क्या अच्छा होता था, और लू चलती थी तो वो कहते थे बाहर नहीं निकलना बीमार हो जाओगे, तुम वेट करते रहते थे कब शाम होगी, कब हम छत पे जा सकते हैं, तो साथ में कोई होते थे भैया भैया लोग हमसे थोड़े बड़े, तो हम उनके पास भागते थे कि किसी तरह से वहां भागे, वो पतंग उड़ाते तो हमको भी पतंग उड़ाने को मिलेगी, तो बहुत ही सुंदर
मतलब यादें हैं हमारी तो राजस्थान की, और जयपुर ने तो कमाल कर दिया। ये वीडियो तो मेरे ख्याल से मुझे पहले देखनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, आज देखी, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है जयपुर। ड्रोन शॉट्स कमाल के थे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ब्यूटीफुल है। और अगर आपने जयपुर अभी तक नहीं देखा तो लॉकडाउन के बाद जब सिचुएशन ठीक हो जाए, डेफिनेटली वेकेशंस के लिए जाना बनता है। ये राजस्थान तो देखने वाला है, जरूर जाना चाहिए, जो ब्यूटी है वहां पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलना, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।